बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में तरी वाले चने। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने काले चने को रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है और अब गैस के ऊपर कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो रहा है, इतने में हम इसके लिए कुछ मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे स्लाइस में कट करेंगे और जार के अंदर डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप करके डाल देंगे। और 1 मुट्ठी हरा धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट मैंने बना लिया है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे और 30 सेकंड बाद पिसा हुआ पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर घुमाकर इसे भी शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। मैंने पहले भी हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया हुआ है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे जब तक कि तेल ऊपर नज़र ना आने लगे। मसालों के अंदर 2-3 दफ़ा पानी डाल डाल कर मैंने अच्छे से भून लिया है और अब मसालों के ऊपर तेल नज़र आने लगा है। और मैंने 2 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया था, अब इसे शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक और भीगे हुए चने इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और कुकर का लिड बंद करेंगे और 6 से 7 विसिल आने तक इसे कुक करेंगे। तो 6 विसिल लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसका प्रेशर निकल चुका है। तो अब इसे खोलकर चेक करेंगे कि चना हमारा गला है कि नहीं। तो देखें, चना हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है और नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। अब इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसे 1 सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे और डेकोरेट करेंगे चॉप प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चों से। तो आप भी इस बेहतरीन टेस्टी तरी वाले चने को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।